नमस्कार, एसडीएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के रोशन। आइए देखते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरें। विधानसभा चुनाव सामने और लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान का एनडीए गठबंधन से सीटों को लेकर खींचतान जारी है। जदयू के साथ भी लोजपा असहज है। ऐसा लगता है लोजपा का एनडीए गठबंधन से मोह भंग हो चुका है। आज चुनाव आयोग की टीम पटना आ रही है। तैयारियों की समीक्षा समेत कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर टीम के सदस्य चर्चा करेंगे। टीम का नेतृत्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा करेंगे। बिहार के उत्तर क्षेत्र के लगभग 16 जिले पुनः बाढ़ग्रस्त हो गए हैं। बीते सप्ताह से लगातार हो रही वर्षा ने स्थिति खराब कर दी है। कोरोना संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है और चुनाव के चलते प्रचार किया जाना है। ऐसी स्थिति में बाढ़ ने उत्तर बिहार की परेशानी बढ़ा दी है। बिहार विधान परिषद के लिए शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की 4-4 सीटों के लिए जारी अधिसूचना के बाद प्रत्याशियों के बीच नामांकन की हलचल शुरू हो गई है। 5 अक्टूबर तक नामांकन प्रक्रिया की अंतिम तिथि है। 22 अक्टूबर को मतदान होना है। नई कृषि नीति की आड़ में लगातार जारी धरना प्रदर्शन से आम जनता परेशान है, लेकिन कोई बीच का रास्ता नहीं निकल रहा है। इस बीच जारी हिंसा ने पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश समेत अन्य क्षेत्रों में बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। बिहार में भी इस बिल को लेकर विपक्षी पार्टियों ने बंद का ऐलान किया था। गत विधानसभा चुनाव के लिए जिन नेताओं ने एक साथ हामी भरी थी, वे इस बार आमने सामने हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजद जदयू की। इस बार एनडीए गठबंधन में जदयू फिर से शामिल है और महागठबंधन से जदयू की सीधी टक्कर होगी। निर्वाचक सूची में नाम अंकित होने पर ही आप मतदान कर पाएंगे। जिन लोगों का नाम किसी भी कारण से दर्ज नहीं हो पाया है, वे अपने मताधिकार से वंचित रह जाएंगे। इसे ऑनलाइन चेक किया जा सकता है। 2 क्षेत्रों के मतदाता सूची में यदि किसी मतदाता का नाम है तो अवैध माना जाएगा। मतदाता के रूप में एक ही स्थान पर होना अनिवार्य है। यदि स्थान का बदलाव हुआ है तो अपने पहले मतदाता सूची के अनुसार मतदान की प्रक्रिया की जा सकती है। बिहार में शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी प्रकार के उपाय किए जा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखकर गुंडा रजिस्टर को अपडेट किया गया है। लिस्टेड अपराधी अपने संबंधित थानों में हाजिरी लगाएंगे। पुलिस प्रशासन द्वारा चुस्ती बरती जा रही है। इस बीच खबर मिली है कि पटना के बेउर जेल से 40 कुख्यात अपराधी को दूसरे जेल में भेजा जाएगा। इसके लिए सभी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। सभी तैयारियां विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। खबरों के इस सफर में बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एसडीएफ न्यूज़।